दोस्तों सबरी का वास्तविक नाम शर्मणा था। शर्मणा भील समुदाय की सबरी जाति से संबंधित थी। संभवतः इसी कारण शर्मणा को सबरी नाम दिया गया था। फ्रेंड्स, पौराणिक संदर्भों के अनुसार शर्मणा एक कुलीन हृदय की प्रभु श्री राम की एक अनन्य भक्त थी, लेकिन उनका विवाह एक दुराचारी और अत्याचारी व्यक्ति से हुआ था। प्रारंभ में शर्मणा ने अपने पति के आचार विचार बदलने की बहुत चेष्टा की, लेकिन उसके पति के पशु संस्कार इतने प्रबल थे फ्रेंड्स कि शर्मणा को उसमें सफलता नहीं मिली। कालांतर में अपने पति के कुसंस्कारों और अत्याचारों से तंग आकर शर्मणा ने ऋषि मातंग के आश्रम में शरण ली। आश्रम में शर्मणा प्रभु श्री राम का भजन और ऋषियों की सेवा करती हुई अपना समय व्यतीत करने लगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार सबरी को भक्ति साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कुछ भक्तों ने यहाँ तक कह दिया कि प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे फल खाए थे। यह विषय मर्यादा, शालीनता और व्यवहार का विवाद न होकर एक आंतरिक प्रेम अभिव्यक्त करने का प्रसंग है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार स्थूल सिरा नामक महर्षि के अभिश्राप से राक्षस बने कबंध को प्रभु श्री राम ने जब उसका वध करके उसे मुक्ति दी और उससे माता सीता की खोज में मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया, तब कबंध ने प्रभु श्री राम को मतंग ऋषि के आश्रम का रास्ता बताया और राक्षस योनि से मुक्त होकर गंधर्व रूप में परम धाम पधार गए। प्रभु श्री राम व लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां आश्रम में वृद्धा सबरी भक्ति में लीन थी। मतंग ऋषि अपने तप व योग के बल पर अन्य ऋषियों सहित दिव्य लोक पहुंच चुके थे। ऋषि मतंग ने सबरी से एक अपेक्षित घड़ी में कह दिया कि प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। ऋषि मतंग ने सबरी की श्रद्धा और सबरी की परख करके यह भविष्य वाक उनसे कहा था। सबरी एक भरोसे लेकर जीती रही। वह बूढ़ी हो गई, परंतु उसने अपनी आतुरता को बूढ़ा नहीं होने दिया। वन फलों की अनगिनत टोकरियां भरी और औंधी की पथ बुहारती रही, राह निहारती रही। प्रतीक्षा में सबरी स्वयं प्रतीक्षा का प्रतिमान हो जाती हैं। जब सबरी को पता चला कि भगवान श्री राम स्वयं उनके आश्रम आए हैं, तो वह एकदम भाव विभोर हो उठी और ऋषि मतंग के दिए आशीर्वाद को स्मरण करके गदगद हो गई। वह दौड़कर अपने प्रभु श्री राम के चरणों से लिपट गई। इस भावनात्मक दृश्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस तरह रेखांकित किया है। तुलसीदास दास जी लिखते हैं, सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी पड़ी चरण लपटाई, प्रेम मगर मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। इसका अर्थ है, कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांबले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वह प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन तक नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्हें जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण कमल धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। इसके बाद सबरी जल्दी से जंगली कंदमूल और बेर लेकर आई और अपने परमेश्वर को सादर सहित अर्पित किए। पौराणिक संदर्भों के अनुसार बेर कहीं खट्टे ना हो, इसलिए अपने इष्ट की भक्ति की मदहोशी से ग्रसित सबरी ने बेरों को चख चख कर प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को भेंट करने शुरू कर दिए। श्री राम सबरी की अगाध श्रद्धा व अनन्य भक्ति के वशीभूत होकर सहज भाव एवं प्रेम के साथ जूठे बेर अनवरत रूप से खाते रहे, लेकिन लक्ष्मण ने जूठे बेर खाने में संकोच किया। उन्होंने नजर बचाते हुए वे जूठे बेर एक तरफ फेंक दिए। माना जाता है कि लक्ष्मण द्वारा फेंके गए वही जूठे बेर बाद में जड़ी बूटी बनकर उग आए। समय बीतने पर यही जड़ी बूटी लक्ष्मण के लिए संजीवनी साबित हुई। श्री राम रावण युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए और मरणासन्न हो गए,
तब विभीषण के सुझाव पर लंका से वैद्यराज सुसेन को लाया गया। वैद्यराज सुसेन के कहने पर बजरंगबली हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त सबरी के जूठे बेर ही लक्ष्मण के लिए जीवनदायक साबित हुए। दोस्तों, भगवान श्री राम ने सबरी द्वारा श्रद्धा से भेंट किए गए बेरों को बड़े प्रेम से खाते हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। श्री राम अपनी इस वन यात्रा में मुनियों के आश्रम में भी गए। महर्षि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि आदि के आश्रम में भी आदर और स्नेह पूर्वक उन्हें कंद मूल फल अर्पित किए गए। उन महापुरुषों ने जो फल अर्पित किए वे भी दिव्य ही रहे होंगे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह पूछा जा सकता है कि सबरी के फलों में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि प्रभु ने उनमें जिस स्वाद का अनुभव किया वह अन्यत्र कहीं नहीं कर पाए। गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसके अर्थ और संकेत पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी इस शब्द का प्रयोग अन्यंत्र अर्पित कंद मूल फल के लिए नहीं करते। वे कहते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, अर्थात सबरी के फलों में रस नहीं सुरस है, और केवल सुरस ही नहीं अति सुरस है। भक्ति साहित्य में सबरी के फलों की मिठास का बार बार वर्णन आता है। भगवान श्री राम को इन फलों में जैसा स्वाद मिला वैसा स्वाद ना तो पहले उन्हें कहीं मिला था और ना बाद में ही कहीं मिला। भीलनी को सामाजिकता की मूलाधार में ले आते हैं। उसके जूठे बेर खाकर प्रभु श्री राम ने एक वनवासिन का मन ही नहीं रखा बल्कि उसे पारिवारिकता दी। अपने प्रियजन और परिवारजन का जूठा खाने में संकोच नहीं होता। प्रभु श्री राम इस अर्थ में तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए मानव समाज की पुनर्रचना की नींव रखते हैं। इसके बाद श्री राम ने सबरी की भक्ति से खुश होकर कहा, हे भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। इस पर सबरी ने स्वयं को अग्नि के अर्पण करके दिव्य शरीर धारण किया और अपने प्रभु की आज्ञा से स्वर्ग लोक पधार गई। महर्षि वाल्मीकि ने सबरी को सिद्धा कहकर पुकारा क्योंकि अटूट प्रभु भक्ति करके उसने अनूठी आध्यात्मिक उपलब्धि हासिल की थी। यदि सबरी को हमारी भक्ति परंपरा का प्राचीनतम प्रतीक कहें तो कदापि गलत नहीं होगा। सबरी को उनकी योग अग्नि से हरिपद लीन होने से पहले प्रभु श्री राम ने सबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए। सबरी प्रसंग से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। प्रभु श्री राम सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हुए कहते हैं, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगान, करें कपट तजिगान। प्रभु कहते हैं, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। प्रभु कहते हैं, मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, सील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सम्मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जता लाभ संतोषा, सपने हुनाही देख ही पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओत प्रोत अर्थात राम मैं देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा
सही हरसन दिनहा, नवम महु एकहू जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रभु कहते हैं नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भमिमिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दिर तोड़े, जोगी बृंद दुर्लभ गति होई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। तो दोस्तों यह थी जानकारी माता सबरी के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।